हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात ललिता कुमारी की। हिंदी सिनेमा की बेहद जानी पहचानी कलाकार, लेकिन उतनी ही अनजानी सी। और वो इसलिए क्योंकि ललिता जी कौन थीं, कहां से आई थीं और कहां चली गईं, जैसे सवालों के जवाब आज किसी के भी पास नहीं है, न ही किसी शख्स के पास, न कहीं पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों में और न ही इंटरनेट पर। कई दर्शकों को तो शायद उनका नाम भी पता नहीं होगा। ललिता जी की मेरी तलाश हाल ही में तब पूरी हुई जब सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा से मुझे उनका मोबाइल नंबर मिला, लेकिन साथ ही ये जानकारी भी मिली कि उन्हें गुजरे हुए 10 साल बीत चुके हैं। तो क्या इतने सालों में ये नंबर किसी और के नाम पर नहीं हो गया होगा? मेरे मन में ये सवाल उठा। ट्रू कॉलर में चेक किया तो मोबाइल के स्क्रीन पर जो नाम उभरा वो था नीता श्रीवास्तव। मुझे लगा एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, और मेरी ये कोशिश रंग भी ले आई। नीता श्रीवास्तव और उनके पति सुभाष श्रीवास्तव जी बीते हुए दिन के प्रशंसक और नियमित दर्शक हैं। नीता जी ने ललिता जी के बारे में तमाम जरूरी जानकारी के साथ साथ उनकी कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी हमें उपलब्ध कराई, और इसके लिए हम नीता जी के आभारी हैं। ललिता जी का जन्म 6 जुलाई 1938 को पेशावर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपीराम भाटिया था और मां का नाम जानकी देवी। 3 बहनों और 2 भाइयों में ललिता जी तीसरे नंबर पर थीं। देश का बंटवारा हुआ तो भाटिया परिवार पेशावर से मुंबई आकर चेंबूर में बस गया। ललिता जी दिखने में खूबसूरत थीं, इसलिए बहुत जल्द उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। भाटिया परिवार अपना सब कुछ पेशावर में छोड़कर खाली हाथ मुंबई आया था। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसलिए घर में इन ऑफर्स का कोई विरोध नहीं हुआ और ललिता जी फिल्मों में व्यस्त होती चली गई। इन्हीं व्यस्तताओं की वजह से ललिता जी ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन जल्द ही वो पंजाबी के अलावा हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी और अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत हो गई। उन्होंने कुछ मारवाड़ी नाटकों में अभिनय भी किया। साल 1952 की नवकेतन के बैनर की फिल्म आंधियां से ललिता जी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। चेतन आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वो सुरेंद्र कौर के गाए गीत मैं मुबारकबाद देने आई हूं, शहनाई हूं, मैं बेखुदी हूं प्यार की पर सोलो डांस करती नजर आई थी। वी शांताराम के बैनर राजकमल कला मंदिर की साल 1953 की फिल्म 3 बत्ती 4 रास्ता में उन्होंने रूपा नाम की एक बेहद मॉड लड़की का रोल किया। अगले करीब 2 दशकों में ललिता जी अलीबाबा 40 चोर, 50-50, बंजारन, बंबई का बाबू, हम सब उस्ताद हैं, देवर, दो बदन, आराधना, दो भाई और कटी पतंग जैसी करीब 3 दर्जन फिल्मों में नजर आईं। और फिर आई साल 1971 की ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी, जिसमें प्रिंसिपल के रोल और फिल्म की सुपरहिट प्रार्थना हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे ने दर्शकों के बीच ललिता जी को एक अमिट पहचान दे दी। 1950 के दशक के आखिर में ललिता कुमारी जी की शादी हुई। उनके पति वासुदेव प्रसाद सिंह पटना के रहने वाले थे और दादर मुंबई के श्री साउंड स्टूडियो के मैनेजर थे। वो बीपी सिन्हा के नाम से जाने जाते थे। किसी शूटिंग के दौरान सिन्हा जी से हुई ललिता जी की मुलाकात दोस्ती में, दोस्ती से प्रेम में और प्रेम से प्रेम विवाह में बदल गई थी, और इस तरह ललिता जी ललिता कुमारी भाटिया से ललिता कुमारी सिन्हा हो गई थी। बहरहाल गुड्डी के बाद ललिता जी के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। अगले करीब 2.5 दशकों में उन्होंने आनंद, अमर प्रेम, जवानी दीवानी, अभिमान, नया दिन नई रात, चुपके चुपके,
तपस्या, ड्रीम गर्ल, दिल लगी, थोड़ी सी बेवफाई, क्रांति, नगीना और राम लखन जैसी कई हिट फिल्में की। करीब 4 दशकों के अपने करियर में उन्होंने 150 फिल्मों में काम किया और फिर साल 1994 की गोपी किशन के बाद रिटायरमेंट ले लिया। ललिता जी ने चित्रलेखा के नाम से रेडियो पर कुछ गीत भी गाए थे। 1980 के दशक में दूरदर्शन के सीरियल श्रीकांत में उनका किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ था। हालांकि श्रीकांत उनके करियर का पहला और आखिरी टीवी सीरियल था। ललिता जी के बारे में तमाम जानकारी उपलब्ध कराने वाली नीता श्रीवास्तव जी दरअसल संजीव कुमार रेहना सुल्तान की जोड़ी की फिल्म दस्तक में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर से लेकर एक नजर, बेनाम, दो चट्टाने, डाक बंगला और गंगा धाम जैसी फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर जेपी सिन्हा जी की बेटी हैं। नीता जी बताती हैं कि उनके पिता भी पटना के ही रहने वाले थे और 1960 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर बनने का सपना लिए पटना से मुंबई आए थे। उनके हाथ में बीबी सिन्हा जी के नाम किसी परिचित का लिखा एक सिफारिशी पत्र था। बीपी सिन्हा जी और ललिता जी ने नीता जी के पिता की हर तरह से मदद की और श्री साउंड स्टूडियो में ही उन्हें अपने साथ रहने की जगह भी दी। ललिता जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। जेपी सिन्हा जी की शादी हुई और वो पत्नी को बिहार से साथ लेकर मुंबई आए तो ललिता जी और बीपी सिन्हा जी ने उन दोनों को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और इसीलिए नीता जी का जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का समय श्री साउंड स्टूडियो में ही बीता। साल 1981 में सिर्फ 38 साल की उम्र में नीता जी के पिता जेपी सिन्हा जी का हार्ट अटैक से निधन हुआ तो उस समय नीता जी की उम्र सिर्फ 7 साल थी। ऐसे में ललिता जी और उनके पति ने नीता जी और उनकी मां को संभाला और सहारा दिया। साल 1991 में ललिता जी के पति बीपी सिन्हा जी का निधन हुआ तो ललिता जी श्री साउंड स्टूडियो का अपना रिहायशी हिस्सा खाली करके नीता जी और उनकी मां को साथ लेकर चेंबूर अपने पिता के खाली पड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गई। ललिता जी और उनके पति को नीता श्रीवास्तव, नानी और दद्दा कहकर बुलाती थी। नीता जी कहती हैं, नानी अपने पास मोबाइल नहीं रखती थी और वो मेरे मोबाइल के जरिए ही लोगों के संपर्क में रहती थी। नीता जी की शादी साल 1999 में हुई। साल 2005 में जब उनके नाम माहडा की लॉटरी में फ्लैट निकला तो वो सब प्रतीक्षा नगर सायन के उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए जहां नीता जी की मां का निधन जनवरी 2012 में हुआ और 6 महीने बाद 5 जुलाई 2012 को 74 साल की उम्र में ललिता जी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। सायन के उस फ्लैट में आज नीता जी अपने पति और दो बेटों के साथ रहती हैं और बाकी हैं तो सिर्फ यादें। तो ये थी कहानी गुजरे दौर की बेहद जानी पहचानी लेकिन अनजानी सी कलाकार ललिता कुमारी सिन्हा की। ललिता जी पर डिटेल्ड आर्टिकल का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब आपसे एक अपील, आप भी बीते हुए दिन का हिस्सा बनिए। आपकी जानकारी में, आपके इर्द गिर्द, आपके गांव या शहर में अगर हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए कोई भूले बिसरे कलाकार रहते हों तो उनसे संपर्क करने में आप हमारी मदद कीजिए। हम चाहेंगे कि आपके जरिए वो बीते हुए दिन के प्लेटफॉर्म पर आए और आप सभी से रूबरू हों। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी और भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।